वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार, आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सोनी नेटवर्क और वायकॉम 18 के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सोनी नेटवर्क वायकॉम 18 का शेयर लेने वाला है, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, सोनी कॉरपोरेशन जो कि सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट चला रही है, वो अब वायकॉम 18 के साथ कोलैब करने जा रहा है, यानी कि वायकॉम 18 का शेयर परचेज करने जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सोनी नेटवर्क वायकॉम 18 का 51% शेयर अपने हक में रखेगा, 49% शेयर रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जिसे वायकॉम 18 भी कहते हैं उनके पास रहेगा। तो ये रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले टाइम पे सोनी नेटवर्क 51:49 के रेशियो शेयर के साथ दोनों कंपनी मिलकर एक साथ काम करेगी, या दोनों कंपनी ये फैसला ले लिया है। जैसे कि दोस्तों बता दूं कि 100% जो शेयर है 51% शेयर रहने वाला है सोनी के पास, रेस्ट ऑफ 49% वायकॉम 18 के पास। और ये अपडेट आ रही थी दोस्तों, और कुल मिलाकर अगर बात की जाए वायकॉम 18 और सोनी और साथ ही वोट सोनी लीव जितने भी OTT ऐप हैं इनके जरिए टोटल 63 चैनल्स हैं इनके पास, जो 63 चैनल्स ऑल जेनर में हैं जैसे कि मूवी, किड्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, यूथ, रीजनल, सारे चैनल्स मिला के 63 चैनल्स हैं। इन सभी चैनलों के साथ ये काम करेंगे। तो ये अपडेट आ रहा था दोस्तों सोनी नेटवर्क और वायकॉम 18 की तरफ से, ये दोनों कंपनी अब आपस में मर्ज होने जा रही है, जिसमें 51% शेयर रहने वाला है सोनी के पास और 49% शेयर रहने वाला है वायकॉम 18 जिसे रिलायंस के ही, वायकॉम 18 रिलायंस कंपनी का ही है। तो ये अपडेट आ रहा था दोस्तों, उम्मीद इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।